हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लॉक यानी कि घड़ी के बारे में हम जानेंगे। घड़ी सबने देखी होगी। आज इसके ऊपर जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उसमें से एक टाइप का प्रश्न देखेंगे जिसमें हमसे पूछ लिया जाता है कि घड़ी की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है। इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो आज के पार्ट वन में हम देखेंगे। उसके पहले हम बेसिक देख लेंगे कि घड़ी का बेसिक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारे स्पेशली सुपर टेट 2020-21 के लिए बनाई जा रही है और ये रीजनिंग का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है घड़ी, क्योंकि घड़ी से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में पार्ट वन में हम देखेंगे जो एंगल से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, कोण से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और मेरे हिसाब से अभी तक जितना भी मैंने एनालाइज किया है घड़ी के ऊपर कम से कम 3 पार्ट बनेंगे, तभी जाके आपका पूरा का पूरा जो क्लॉक है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए अब देर न करते हुए देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है घड़ी का। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए, आपने घड़ी तो देखी ही होगी, घड़ी का जो आकार होता है नॉर्मली वो गोलाकार होता है और इसमें क्या होता है कि 12 सबसे ऊपर लिखा होता है, 12 से लेकर शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर वापस 12 पे आ जाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 से अगर किसी भी संख्या के बीच में, 12 से 1 के बीच में नहीं, अगर किसी भी संख्या के बीच में यानी कि 1 से 2, 2 से 3 किसी के बीच में भी देखा जाए तो यहाँ पे एक ऊपर एक लाइन इस तरीके से होती है, इसको डिवाइड किया गया रहता है 1, 2, 3, 4 इसके पास लाइन बीच में होती है और एक फिर अगली लाइन वो 1 पे होती है। यानी कि यहाँ से 12 से अगर 1 पे पहुंचना है तो हमको 5 लाइनों को क्रॉस करना होगा जो 5 बराबर हिस्सों में बांटा रहता है। उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में भी 1, 2, 3, 4 और ये 2 के ऊपर 5, इसी तरीके से सभी के बीच में बनाया रहता है 5-5 लाइनें। पहुंचने के लिए 2 से 3 पहुंचना है तो 5 लाइनों पे हमको जाना होगा। 2, 3 से 4 पहुंचने के लिए उसी तरीके से ये पूरा बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया रहता है। और जो ये एक हिस्सा होता है, एक जैसे 12 से अगर हम 12 के बाद जो दूसरा ये पॉइंट बना गया इस पे पहुंचना है तो इसको कहते हैं 1 मिनट की दूरी तय करनी होती है। उसी तरीके से अगर 12 से 1 पहुंचना है तो कितनी मिनट की दूरी तय करनी होगी, जब 1 क्रॉस करने में 1 मिनट की दूरी लग रही है तो 5 क्रॉस करने में 5 मिनट लगेगा, यानी कि 1, 12 से लेके 1 के बीच में 5 मिनट टोटल होते हैं। उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में भी 5 मिनट, इसी तरीके से करते करते पूरा 12 से शुरू करके अगर वापस हम यहाँ पे आ जाए 12 के पहले वाले हिस्से पे तो यहाँ आपका 60 कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक, 12 पे जैसे ही पहुंचेंगे आपका 1 मिनट कम्प्लीट हो जाएगा, इसके बीच में भी 5 लाइनें होंगी। ठीक, तो जैसे ही हम 12 पे पहुंचेंगे आपका एक पूरा चक्कर लग जाएगा और एक पूरा चक्कर लगाने में कितने बराबर हिस्सों को हमको ट्रेवल करना होगा, 60 बराबर हिस्सों को ट्रेवल करना होगा, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि 12 से हम वापस 12 पे पहुंचते हैं या फिर 1 से वापस 1 पे पहुंचते हैं तो हमारा 60 मिनट पूरा का पूरा ट्रेवल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ जगहों पे आपको मिनट और सेकंड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको देख लेते हैं कि अगर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से लिखा रहता है, 1 लिखा रहेगा उसके ऊपर इस तरीके से हल्का सा लाइनिंग खींची रहती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका 1 मिनट के बराबर ही होता है। 1 मिनट यानी कि कहीं कहीं 1 मिनट ना लिख के इस तरीके से लिख दिया जाता है। उसी तरीके से 1 के ऊपर अगर इस तरीके से 2 डॉट आ गया तो वो हो जाएगा आपका 1 सेकेंड के बराबर, 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा वो। ये 2 लाइन अगर 1 के ऊपर इस तरीके से या फिर किसी भी संख्या के ऊपर 1 पॉइंट इस तरीके से 1 लाइन खींच दी जाए तो वो उसकी मिनट के बराबर हो जाएगा। 2 लाइनें खींच दी गई हैं तो वो सेकंड के बराबर हो जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम अलग अलग मिनट, सेकंड और घंटे का जो कॉन्सेप्ट है इस पूरे घड़ी में उसको पहले समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं मिनट के बारे में, मिनट के बारे में देख लेते हैं कि मिनट का क्या कॉन्सेप्ट होता है घड़ी के ऊपर। तो एक घंटे में जो मिनट की सुई है, मान लीजिए ये मिनट की सुई है, ठीक, ये वाली मिनट की सुई है जो अभी 12 पे दिखा रही है, दर्शा रही 12 की तरफ, ये अगर मान लेते हैं मिनट की सुई है तो पूरा एक घंटे में जो मिनट की सुई है वो पूरा का पूरा आप देखेंगे कि अगर जैसे यहाँ पे 4 बज रहा है अभी, छोटी घंटे की सुई 4 पे है, तो अगर 5 पे पहुंचना है घंटे की सुई को तो ये मिनट वाली सुई को पूरा का पूरा एक चक्कर लगा के वापस 12 पे आना पड़ेगा। यानी कि जो मिनट की सुई होती है वो पूरा एक घंटे में पूरा का पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि कितने अंश का कोण बनाएगी, पहले तो ये जान लें कि एक घंटे में जो मिनट की सुई होगी, मिनट
की जो सुई होगी वो पूरा एक चक्कर लगाएगा। ठीक, ये कंफर्म हो गया कि जो मिनट वाली सुई है वो पूरा का पूरा अगर एक घंटा उसको ट्रेवल करना है, एक घंटे का सफर उसको तय करना है, तो उसको वापस पूरा एक चक्कर लगाना होगा। यानी कि वो पूरा का पूरा, आपको पता है कि पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में सर्किल है, तो 360 डिग्री का वो कोण यानी कि 360 अंश घूमेगी। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे एक घंटे में अगर वो पूरा एक चक्कर लगा रही है तो एक घंटे के बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। अगर यहाँ पे मैं 60 मिनट को इस तरीके से लिख रहा हूँ तो 60 मिनट में वो कितना चक्कर लगा रही है, 360 अंश का, 360 डिग्री का, मान लीजिए अंश कहिए या डिग्री कहिए दोनों एक ही चीज है। अब जब वो 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर लगा रही है, 360 डिग्री का मतलब घूम रही है पूरा, तो एक मिनट में वो कितना घूमेगी, 360 बटे 60 कर देंगे, यानी कि एक मिनट में वो 6 डिग्री का सफर तय करेगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अगर किसी भी जो दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन है, इसके बीच अगर यहाँ से यहाँ की दूरी अगर अंश कोण पूछा जाए तो यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना समय लगा, एक मिनट का समय लगा, एक मिनट ये दर्शाता है, यहाँ से यहाँ एक मिनट दर्शाता है, उसके बीच में कोण कितना है, यहाँ से हमको पता चल गया कि इसके बीच में जो कोण है वो 6 डिग्री का कोण है, यानी कि 6 अंश का कोण है इसके बीच में। ठीक, तो अगर पूछ लिया जाए कि जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया जाए 5 से 6 जाने में जो मिनट वाली सुई है वो कितने अंश का कोण बनाएगी, 5 से 6 जाने में या 6 से 7 जाने में, 4 से 5 जाने में, यानी कि एक संख्या से उसके निकटवर्ती संख्या पे पहुंचने में कोई भी मिनट वाली जो सुई है वो कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 5 मिनट टोटल ट्रेवल करेगी एक दूसरी संख्या के बीच में जाने में, तो एक मिनट बराबर अगर 6 डिग्री है तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इससे हमको ये पता चल गया कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4 से 5 या फिर 5 से 6, इसके बीच में अगर पूछ लिया जाए कि कितने अंश का कोण है तो ये हो जाएगा आपका 30 अंश का कोण है। ठीक, और जाहिर सी बात है कि 30 अंश का ही होगा क्योंकि पूरा का पूरा जो 12 से लेके वापस 12 पे पहुंच रहे हैं तो 360 डिग्री का कोण बना रहा है, और 360 डिग्री को कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो 360 बटे 12 अगर करेंगे तो आपका एक के बीच जो डिवाइडेशन यहाँ पे हुआ है, बंटवारा हुआ है, वो 30 डिग्री का पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक घंटे में मिनट की जो सुई है वो एक चक्कर पूरा लगाती है, जब एक चक्कर पूरा लगाएगी तो वहां पे हमने देख लिया कि एक मिनट में वो कितने अंश का कोण बनाएगी और 5 मिनट में वो कितने अंश का कोण बनाएगी। ये तो हो गया मिनट का कॉन्सेप्ट, अब देखते हैं घंटे का कॉन्सेप्ट। पहले हम तीनों चीजें देख लेंगे यहाँ पे, मिनट, घंटे और सेकंड का कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रश्नों पे आते हैं। अब घंटे के कॉन्सेप्ट में क्या लगता है यहाँ पे कि जो घंटे वाली सुई है वो कितने देर में पूरा चक्कर लगाती है, वो 12 घंटे में, जो घंटे वाली सुई है सबसे छोटी सुई कही जाती है उसको इंग्लिश में कहते हैं आवर्स हैंड, इसको इंग्लिश में सभी लोग जान लीजिए कि इसको हैंड कहा जाता है, जो सुइयां हैं और जो भी सुई रहेगी, जैसे मिनट की सुई है तो मिनट हैंड हो जाएगा, सेकंड की सुई है तो सेकंड हैंड हो जाएगा, और जो आवर्स की सुई है यानी कि घंटे की सुई है उसको आवर्स हैंड कहते हैं, तो इसके बारे में भी जानते रहिए। अब यहाँ पे देखिए घंटे के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो जो घंटे की सुई है अगर वो कहा पूछा जाए कि वो कितने देर में पूरा का पूरा चक्कर लगा लेगी, तो जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर, पूरा चक्कर लगाएगा। ठीक, अब मिनट वाली जो सुई थी वो तो एक घंटे में ही पूरा चक्कर लगा ले रही थी, लेकिन जो यहाँ पे घंटे वाली सुई है वो पूरा का पूरा चक्कर लगाने में उसको 12 घंटे का समय लगेगा। अब 12 घंटे का जब समय लग रहा है तो एक घंटे में वो कितना, आपको पता है कि एक घंटे में वो कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में आपको पता है, अगर इसको मिनट के फॉर्म में अगर डिग्री निकालें तो एक घंटे में आपको पता है कि होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट, तो ये टोटल एक चक्कर पूरा लगाने में 12 घंटे का समय ले रही है, 12 घंटे में आप यहाँ पे निकाला जाए तो 12 घंटे में कितने मिनट होंगे, 12 × 60 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12 × 6 = 72 यानी कि 720 मिनट। 720 मिनट में ये पूरा चक्कर लगा रही है, 720 मिनट में ये पूरा चक्कर लगा रही है, मतलब पूरा चक्कर लगाने का मतलब कि वो 360 डिग्री का कोण घूम रही है पूरा चक्कर लगाने में, और पूरा चक्कर वो लगा रही है 720 मिनट में। तो यहाँ पे एक मिनट के बराबर अगर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 360 × 720 हो जाएगा, 360 × 720 का मतलब कि 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। तो
अभी हमने देखा कि जो मिनट वाली सुई थी वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही थी, लेकिन घंटे वाली सुई जो है वो एक मिनट में कितने अंश का कोण बना रही है, आधे अंश का कोण बना रही है, यानी कि 1/2 डिग्री का कोण बना रही है। ये तो हो गया आपका मिनट और घंटे का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे अगर सेकंड का कॉन्सेप्ट भी देख लें तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे अब सेकंड का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक, सेकंड का कॉन्सेप्ट है, बोर मत होइएगा क्योंकि हो सकता है कि काफी लोगों को क्लॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, परंतु जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं उस बच्चे को भी यहाँ पे टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ जिसको घड़ी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, क्लॉक के बारे में जीरो नॉलेज है, तो मुझे उस बच्चे को भी पढ़ाना है जिसको क्लॉक की जीरो नॉलेज है, और उस बच्चे के लिए भी आगे वीडियो में क्वेश्चन है जिसको क्लॉक की अच्छी नॉलेज है। तो आप अपने नॉलेज को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कितनी अच्छी नॉलेज है और कहाँ पे आपकी कमी है, उसको आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, बेसिक भी कहीं ना कहीं आपको आगे चल के काम देगा। तो बेसिक एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर से, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप बेसिक तो देखेंगे ही, बेसिक के बिना कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पे सेकंड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सेकंड की जो सुई है वो कितनी देर में पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर वो कितनी देर में लगाएगी, एक मिनट में लगाएगी, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, जबकि 60 सेकंड में आपको पता है कि पूरा का पूरा चक्कर लगा लेगी। तो जो सेकंड की सुई होती है वो एक मिनट में पूरा चक्कर लगाएगा। ठीक, जो सेकंड वाली सुई है एक मिनट में वो पूरा का पूरा चक्कर लगा लेगा। ठीक, तो यहां पे अगर पूछा जाए कि एक मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, तो अभी मैंने बताया एक मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, इस तरीके से दो डॉट लगा दिया तो ये सेकंड का हो गया जो स्टार्टिंग मैंने बताया था। तो एक मिनट बराबर 60 सेकंड हो गया। अब 60 सेकंड में वो पूरा एक चक्कर लगा रही है, 60 सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रही है, पूरा एक चक्कर लगा रही है, यानी कि 360 डिग्री का कोण वो घूम रही है। तो यहां पे पूछा जाए कि एक सेकंड में वो कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 360/ यहां पे क्या कर देंगे, 360/60 कर देंगे, यानी कि एक सेकंड में वो 6 अंश का कोण बनाएगी। ये हो गया आपका सेकंड वाली सुई का कॉन्सेप्ट। सेकंड का भी पता चल गया, मिनट का भी पता चल गया और घंटे का भी पता चल गया। तो इस चीज को याद रखिएगा, आगे वाले क्वेश्चन में आपको ये चीजें डायरेक्ट पूछ ली जाएंगी। जैसे देख लीजिए, अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा मिनट वाली सुई, तो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा घंटे की सुई, तो 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा। एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगा सेकंड वाली सुई, तो एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगा सेकंड वाली सुई। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मिनट, घंटे और सेकंड का। अब इसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन आता है डिग्रियों के बीच पूछ लेता है कि कोई भी टाइम दे देगा और पूछ लेगा कि मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कितना कोण बनता है। सेकंड वाली जो सुई होती है उसको क्वेश्चन में कभी नहीं पूछता, तो यहाँ पे सेकंड वाली सुई को लेके हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आज तक अभी भी एग्जाम में जल्दी नहीं आया है। लेकिन मिनट और घंटे वाली सुई से एग्जाम में अक्सर आते हैं प्रश्न, तो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में जो क्वेश्चन पूछता है उसको चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, टाइप वन है, आज की वीडियो में हम टाइप वन ही देखेंगे। एंगल यानी कि कोण वाले जितने भी प्रश्न होंगे उसको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, और सारे कॉन्सेप्ट जितने बनते हैं इसके ऊपर वो सारी की सारी चीजें आज हम क्लियर कर लेंगे इसके ऊपर। तो प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न को करते ही हम करके हम यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 5:30 बजे, यानी कि 5:30 पे घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो आपको बताना कि जब 5:30 बजता है घड़ी में, तो जो मिनट वाली सुई होती है और घंटे वाली सुई है उसके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बना लेते हैं, क्वेश्चन के ऊपर करता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए एक घड़ी ऐसे गोला बना लेता हूँ, गोला परफेक्ट नहीं बन पाएगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ये सेंटर हो गया। अब बोल रहा है कि 5:30 पे, 30 मिनट का मतलब 30 मिनट वाली सुई तो कंफर्म है कि आपकी ये यहाँ पे रहेगी, क्योंकि 30 सभी को पता है कि यहीं पे बसता है। जब 30 मिनट बसता है किसी भी घंटे का, तो जो मिनट वाली सुई होती है जस्ट बीच में होती है नीचे। अब 5:30 बोला, यानी कि 5 पे तो घंटे वाली सुई रहेगी नहीं, ठीक 5 से थोड़ा अंदर की तरफ रहेगी। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, 5 से थोड़ा अंदर की तरफ रहेगी, 5 और 6 के बीच में रहेगी, क्योंकि 5:30 बोला है। तो जाहिर सी बात है कि जब आधा यहाँ पे पूरा मिनट वाली सुई जो है वो 30 मिनट कवर कर लेगी, तो जो घंटे वाली सुई है वो 5 और 6 के एग्जैक्ट बीच में होगी,
क्योंकि आधा ये कवर किया तो ये भी तो आधा कवर कर लेगी, एक घंटा अगर पूरा घूम जाता तो 5 से 6 पे आ जाता, लेकिन आधा ही घुमा है तो यानी कि 5 से 6 पे नहीं आएगा, 5 और 6 के जस्ट बीच में होगा। तो यहाँ पे पूछा है कितने अंश का कोण बना है बनेगा, तो डायरेक्ट भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा यहाँ पे आपने समझा हो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ से लेकर किसी भी संख्या के बीच में अगर दो संख्याओं के निकटवर्ती संख्याओं के बीच में अगर कोण पूछ लिया जाए, जैसे 5 से 6 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, किसी के बीच में, तो पूरा का पूरा जो एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, ठीक। और यहाँ पे आपने देखा कि जब 5:30 बज रहा है तो मिनट वाली सुई जस्ट एकदम 6 के सामने होगी, लेकिन जो घंटे वाली सुई होगी वो 5 और 6 के एग्जैक्ट बीच में होगी। जब एग्जैक्ट बीच में होगी तो 30 डिग्री का तो पूरा का पूरा कोण बनता, एग्जैक्ट बीच में होगा तो कितने अंश का कोण बनेगा। यहां से अगर ये पूछ लिया जाए कि यहां से ये जो कोण बन रहा है, यहां से आधा अगर यहां पे हम आए, पूरा जाने पे तो 30 डिग्री का बन रहा है, लेकिन आधा आने पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 अंश का कोण बनेगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो आपको दिख रहा था कि छोटी सी संख्या थी, यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं था दोनों में। अगर कहीं कभी कभी यहाँ पे मिनट वाली सुई है, इधर कहीं बीच में आ जाए घंटे वाली सुई, तो आपको तो जोड़ के कहीं गलती हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जिस फॉर्मूले को आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि आसानी से तो आप निकाल सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि ये सभी के बीच में 30-30 डिग्री का कोण बनता है, उसको जोड़ घटा के आप निकाल सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाने में हो सकता है कि कहीं गलती हो जाए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का, थीटा बराबर 11 यानी कि 11 गुणे मिनट, ठीक, 11 गुणे मिनट बटे 2 माइनस 30 गुणे घंटा। अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा कि ये क्या लिख रहा हूं, लेकिन यही फॉर्मूला है जो कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एंगल निकालना हो तो डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, 15 डिग्री आया था, अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम अप्लाई करके देखें तो बोला था 5:30 बजे, 5:30 का मतलब 5:30 मिनट, 5:30 मिनट यही तो कहेंगे 5:30 को, 5:30 मिनट यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। अब यहाँ पे जो मिनट लिखा है वो मिनट वाला जगह मतलब मिनट वाली चीज वहां पे लिख देंगे और घंटे वाली चीज की जगह जो 5 घंटा लिखा है। अब इसके हिसाब से क्या आएगा, 11 गुड़े मिनट लिखा था, मिनट 30 मिनट था, बटे 2 माइनस 30 गुड़े घंटे, मतलब घंटा यहाँ पे 5 था, 5:30 मिनट था, तो घंटे वाला जो प्लेस था उस पर 5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कट करेंगे तो 15 आएगा, 15 11 का गुड़ा करेंगे तो 165 आएगा, 15 धाम 150 होता है, एक बार और 15 जोड़ देंगे तो 165 हो जाएगा, माइनस 3 5 15 150। अब यहाँ पे देखिए कितना आया, सेम वही आपका आंसर आया 15 डिग्री, 165 में से 150 माइनस कर देंगे तो आपका 15 डिग्री आ जाएगा, और बेसिक तरीके से हमने जो ऐसे डायरेक्ट किया था सोच के थोड़ा सा, वैसे भी उससे भी 15 डिग्री आया था। तो ये फॉर्मूला आप अगर एंगल निकालना चाहते हैं किसी भी घड़ी के क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, 11 गुणे मिनट बटे 2 माइनस 30 गुणे घंटा। तो ये था पहला क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न है, 2:30 पर घड़ी की सुइयों में कितने अंश का कोण बनेगा। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, घड़ी उड़ी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखेंगे, और हमको फॉर्मूला ही बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि फॉर्मूले से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा विद इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पे बोला है कि 2:30 यानी कि हम फॉर्मूला लगाएंगे, 11 गुणे मिनट करते थे 30 हो जाएगा, बटे 2 करते थे माइनस क्या करते थे 30 गुणे घंटा, घंटे 2 था यहाँ पे, 2:30 था तो यहाँ पे घंटे की जगह 2 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 का गुणा 11 करेंगे आपको पता है कि 165 हो जाएगा, और ये क्या है 30 गुणे 2 यानी कि 60, ठीक, 165 में से 60 घटा देंगे तो कितना आएगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा जब 2:30 होगा तो घड़ी के जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है उसके बीच में जो कोण होगा वो 105 डिग्री का होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दूसरा प्रश्न भी। अब देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, सीपीयू में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, तो 3-4 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन और 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको तैयार है, अभी जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के बताया था अगर वो आपने ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का भी नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वह घंटे वाली सुई है, उसके बीच में कोण पूछा है कितने अंश का कोण होगा जब 1 मिनट की दूरी दोनों तय करेंगे, यानी कि
घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच एक मिनट में बनने वाले कोण का मान ज्ञात करना है। यानी कि एक मिनट घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट चलेगी, और उसी एक मिनट में अब घंटे वाली सुई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं घड़ी बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक, ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक मिनट है, दो मिनट है, तीन मिनट है, चार मिनट है, पांच मिनट है, यहाँ पे 12 है, तो घंटे वाली सुई यहाँ पे मान लीजिए है, ठीक, और मिनट वाली सुई है ये, और घंटे वाली सुई है इसी पे, छोटी है ये दोनों। अभी मान लीजिए कि घड़ी में बज रहा है 12 बजे, करेक्ट 12 बज रहा है, तो 12 बजे तो इसी तरह से भी होगी 12 पे ही मिनट की सुई भी होगी, 12 पे घंटे की सुई भी होगी। अब जब 12 यहाँ पे पूछा एक मिनट में, अब जब एक मिनट होगा तो मिनट वाली सुई हमारी कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी मिनट के सामने, और घंटे वाली जो सुई है ये वाली छोटी वाली सुई ये यहाँ पे तो होगी, थोड़ा सा आगे ये भी बढ़ेगी, एक मिनट जब ये चलेगा तो ये भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा यहाँ तक कवर तो करेगा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो मिनट वाली सुई है एक मिनट में वो कितना अंश का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। आप स्टार्टिंग में, आप अगर नहीं आपको ध्यान है तो स्टार्टिंग में वीडियो करके देख लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मिनट का कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो मैंने वहां पे बताया था कि जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, और जो घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, आधे अंश का कोण बनाती है, 720 बराबर आया था 360 डिग्री, 720 मिनट बराबर, इसलिए एक मिनट बराबर आ गया था आपका 1.5 डिग्री यहाँ पे। अब इसके बीच का जो हम कोण निकालेंगे तो क्या करना होगा, सिंपल सा क्या काम करना है, इन दोनों का हमको अंतर निकाल देना है, यानी कि 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 5.5 डिग्री, ये आपका आंसर है। अब ये बताइए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक मिनट में मिनट की सुई कितना अंश का कोण बनाती है, एक मिनट में घंटे की सुई कितना अंश का कोण बनाती है, तो कितनी देर का ये आंसर था, ये सब तो हम मैंने आपको बताने के लिए दिखाया यहाँ पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें से इतना माइनस करना था आपका आंसर आ जाता। तो सोच लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो बहुत लेंदी नहीं होते बट कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिनट का कॉन्सेप्ट जो भी यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट था मैंने आपको वहाँ इसके से रिलेटेड 3 प्रश्न दिखाए हैं, और आशा करता हूँ कि तीनों प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट पार्ट आएगा घड़ी का, क्लॉक का, उसमें मैं जो इससे रिलेटेड दूसरा टाइप है वो दिखाऊंगा आपको। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अभी तक आपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।